तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक थर्ड सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर बीटेक सीएस ब्रांच के सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं EC301, जिसका नाम है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यानी ट्रिपल ई, इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है, और ये पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है। तो आज इस सब्जेक्ट के पूरे रिव्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे किस तरीके से आप इस सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स को हमारे चैनल के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, क्या उसका प्राइस है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो इसमें इस यूनिट के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर मेनली आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। क्लियर, 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं, 5 यूनिट नहीं, आई थिंक 6 यूनिट है, और छठा यूनिट आपका बेसिकली टर्म वर्क है। तो इसका ज़्यादा कोई उतना वेटेज नहीं है, लेकिन मेनली 5 ही यूनिट अगर आप पढ़ लेंगे आपका काम बन जाएगा, बेहतरीन स्कोर आप कर सकते हैं। तो पहला यूनिट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला यूनिट के अंदर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है एनर्जी एंड साइंस से रिलेटेड, यानी बेसिकली एनर्जी क्या होते हैं, क्या क्या उसके रिसोर्सेज होते हैं, कितने प्रकार की एनर्जी होते हैं, किस तरीके से वो बनते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सोर्सेज क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें कोल क्या होता है, ऑयल क्या होता है, ऑयल बेयरिंग क्या होते हैं, और कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और बेसिक यानी एनर्जी के बारे में सारे डिस्क्रिप्शन आपको इस यूनिट के अंदर ले लेना है। बेसिक सा ये सब्जेक्ट है, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किया गया है। अगर आप उसी नोट्स को एक्सेस कर लेते हैं, और वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं मात्र एक टिप्स दूंगा इस सब्जेक्ट के लिए, लास्ट में भी आप इस सब्जेक्ट को, अगर एग्जामिनेशन 1 महीने बचा हुआ है, तो उस ड्यूरेशन में भी आप इस सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और उसमें बढ़िया ग्रेड भी आप हासिल कर सकते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड भी आप हासिल कर सकते हैं अगर आपने उस रूल को फॉलो किया तो। अगला यूनिट है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको बेसिक से जो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर होते हैं और फंक्शन होते हैं इकोसिस्टम के, वो हमें डिस्कस करना है, और साथ साथ हमें डिस्कस करना है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर एंड जो आपका कंप्रेशर्स होते हैं, वो एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंदर, साथ ही साथ इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, फूड चेन क्या होता है। फूड चेन इसका बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि जो रोल है फूड चेन का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के अंदर। तो इसके हम बेसिक इंट्रोडक्शन को जानेंगे, टाइप्स को जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, फीचर्स को जानेंगे, और उसमें हम जानेंगे जो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, जिसमें आपका पाउंड स्ट्रीम, साथ ही साथ लेक, रिवर्स, ओशियंस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, ओके, आपको पढ़नी है। अगला यूनिट है यूनिट नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत पॉपुलर टॉपिक फ्रेंड, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले जानना है बेसिक से इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका जेनेटिक्स आता है, स्पेसिस आता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, उसके बाद आपको जानना है बायो, जो आपका ग्राफिकल जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है ऑफ इंडिया, जिसमें हमें जानना है वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके साथ हम जानेंगे जो आपका कंसेप्टिक यूज़ होता है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पास होना चाहते हैं तो पास होने के लिए मात्र 3 ही यूनिट आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप बेहतर ग्रेड से पास होना चाहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, इसमें जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है, ये न्यूमेरिकल पेपर तो है नहीं, तो सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, और इस सब्जेक्ट में भी पेपर बैक लगते हैं फ्रेंड। तो इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, इसको भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते चलना है, ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होता रहेगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगला यूनिट जो है वो है आपका जो आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, जिसमें आपका अलग अलग टाइप का पोल्यूशन जो होता है, एयर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, मैरिन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और इसके पोल्यूशन के होने के मेन कारण क्या है, क्या क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं, कौन सी बीमारियां हो सकती है, किस तरीके से उनको रोका जा सकता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ने हैं। यानी ऑल दो पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हमें इस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है। अगला यूनिट है जिसमें आपको सोशल इशू होते हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, जो अलग अलग रूल होते हैं, जो अलग अलग लॉ होते हैं जो बने हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो वो सारे लॉस किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर डिस्कस करनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी, ये सारी चीज़ें हमारे डिस्क्रिप्शन थी पूरे हमारे कह सकते हैं कि हमारे इस सब्जेक्ट का। और इस सब्जेक्ट का मैं कंप्लीट पैकेज बता दूं, तो मात्र इस सब्जेक्ट का प्राइस फ्रेंड, मात्र आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस रखा गया इस सब्जेक्ट का।
जो कि मात्र फ्रेंड आपके लिए मात्र 120 रुपीज़ इसका चार्ज रखा गया है। कंप्लीट नोट्स आपको दिया जाएगा विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, मात्र 120 रुपीज़ इसका चार्ज रखा गया है। तो जो भी स्टूडेंट बेहतर स्कोर करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, अपने सेमेस्टर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और इस कोर्स का फ़ायदा ये है कि आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, कोई भी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे चैनल पर 2 वीडियोज़ अपलोडेड हैं ट्रिपल ई के रिगार्डिंग, आधे आधे घंटे का लेक्चर है, उस लेक्चर को बस आपको एग्जामिनेशन के पहले देख लेना है। अगर आप जितना पहले देख लेंगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और उसी वीडियोस को देख के आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट पे उतना ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा ध्यान देना है लेकिन उतना ध्यान देना है जितना ध्यान आपका इस सब्जेक्ट पे हो कि काम चल जाए इस सब्जेक्ट का, ओके। क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और भी आपके कोर ब्रांचेस का सब्जेक्ट है, तो 120 रुपये चार्ज इसके लिए मात्र रखा गया है। और इस सब्जेक्ट के अंदर जैसे ही आप एक्सेस करते हैं तो आपको हफ्ते में 3 दिन जूम मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा हमारे चैनल पे, उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से, आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। तो आप अगर इनरोल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके पेमेंट करने के बाद आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, और हमारा चैनल का ये मेन फीचर्स ये है कि एग्जामिनेशन से पहले पहले मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाए, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। और शायद ही यूट्यूब पर आपको कहीं इस प्रकार के कंटेंट मिल रहे हो, अगर मिले तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस, मात्र 100 रुपीज़ में कोई आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं देने वाला, इस बात को